किस वजह से शहनाज है अपसेट? क्या पापा संतोष सिंह की वजह से अभी भी अपसेट है शहनाज? शहनाज आखिर क्यों नहीं कर रही है अपने अपकमिंग म्यूजिक एल्बम को प्रमोट? वेल, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। जल्द ही आने जा रहा है शहनाज गिल का नया म्यूजिक एल्बम जिसका नाम है जेंटलमैन। वेल, इस गाने को रॉबी सिंह ने बनाया है जो खुद एक पंजाबी सिंगर है। वेल, अगर रिलीज्ड हुए इस पोस्टर की बात की जाए तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सभी के नोटिस में झट से आ जाएंगी। पहले अगर शहनाज की पिक्चर की बात करें तो शहनाज का ये पिक्चर काफी ज्यादा पुराना है। वही कहा यह भी जा रहा है कि ये पोस्टर भी काफी पुराना है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये गाना भी पुराना ही है। जी हाँ, खबरों की माने तो जब से पंजाब की कैटरीना यानी शहनाज गिल ने बिग बॉस को साइन किया है, तब से कई सारे ऐसे म्यूजिक एल्बम्स हैं जिनको या तो शहनाज के म्यूजिक एल्बम के तौर पर रीलॉन्च किया गया है या फिर उन पुराने म्यूजिक एल्बम को डिलीट कर वापस से रिलीज किया जा रहा है ताकि उस गाने को अच्छी हाइप मिल सके। हालांकि शहनाज गिल इस गाने को प्रमोट नहीं कर रही है, जिसकी वजह ये हो सकती है कि या तो ये गाना पुराना है या तो इसके रीलॉन्च की खबर उन्हें ऑफिशियली नहीं दी गई है। लेकिन आपको बता दें, शहनाज गिल रॉबी सिंह के साथ पहले भी काम कर चुकी हैं एक म्यूजिक एल्बम में जिसका नाम है माइंड न करी। वेल, इस गाने को भी काफी पसंद किया गया था। तो व्यूवर्स, क्या आप शहनाज के इस गाने को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? पोस्ट करें अपनी राय और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें चली मसाला।